हे गाइज, हेलो एंड वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल आईटी ब्रांच। सो गाइज, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL के तरफ से ITI कैंडिडेट्स के लिए अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज निकाली गई है अप्रेंटिसशिप्स का। तो यहाँ पे देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज के अंतर्गत ये आता है BEL, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। यह एक जो है महारत्न कंपनी कह सकते हैं, नवरत्न कंपनी है। तो गाइज, यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है ITI कैंडिडेट्स के लिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे विजुअल्स में, तो वीपन लोकेटिंग रडार्स वगैरह यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है उस तरह से। यहाँ पे आप अदर सब देख पाइएगा, पूरा कंपनी डिटेल्स पे आप देख पाइएगा। ऐसे तो आप BEL के बारे में अच्छे से जानते ही होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे लो लेवल लाइट वेट रडार्स, तो गाइज इस तरह की यहाँ पे जो है सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, चेकआउट जरूर कर लीजिएगा वेबसाइट भी एक बार। तो गाइज यहाँ पे देखिए, आप लोग को जितनी भी अपडेट्स हैं चैनल पे सारा मौजूद है। लाइक प्लेलिस्ट अगर आप चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे ITI जॉब से रिलेटेड या अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स है सारा आपको टाइम टाइम दिया जाता है। जैसे कि अभी हाल फिलहाल के देखिए, JBM ग्रुप का यहाँ पर प्लेसमेंट कैंपस ड्राइव आया हुआ है बिहार के गया जिले में। उसी तरह से यहाँ पे अप्रेंटिसशिप में आप रजिस्ट्रेशन कर पाइएगा। यहाँ पे पूरा फुल लेंथ वीडियो पूरा दिया गया, 100% प्रोफाइल आप कंप्लीट कर सकते हैं। NTPC का 15 मार्च से देखिए DV का जो है शुरू होने वाला है, फिर BHEL से झांसी से जो है ये निकाला गया ITI के लिए। 19-21 सेशन के लड़के भी अप्लाई कर सकते हैं, और ये वाले में भी 19-21 के लड़के अप्लाई कर सकते हैं जो कि अभी भी रिजल्ट आया है, ठीक है। उसी तरह से अदर भी देखिएगा तो ICAR गवर्नमेंट अप्रेंटिसशिप 2022 ये सब वीडियो आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं, और यहाँ पे फुल डिटेल्स में देखने वाले हैं कि कौन कौन ट्रेड को बुलाया गया है, मतलब कि किन के लिए अप्रेंटिसशिप आउट हुआ है, कब पहुँचना है, कहाँ पहुँचना है, कौन से डेट को पहुँचना है। तो गैज यहाँ जैसे आपको दिख रहा होगा कि ये देखिए अप्रेंटिसशिप एक्ट कौन सा है, 1961 एक्ट के तहत जो है वॉक इन टेस्ट होने वाला है आपका। तो गैज यहाँ वॉक इन टेस्ट होगा, आपको पता होगा वॉक इन इंटरव्यू होता है, उसी तरह से वॉक इन टेस्ट यहाँ की रिटर्न जो है आप लोग का एग्जाम लिया जाएगा। 1 घंटे का पेपर होने वाला है, और ये जो ये आपका जो BEL है कहाँ है, तो मछलीपट्टनम है, ये एरिया जो है आपका साउथर्न रीजन में आई थिंक ये है। तो यहाँ आप लोग जरूर चेकआउट एक बार कर लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा, ठीक है। 1 साल का अप्रेंटिसशिप होने वाला है, और यहाँ देखिए जो फीटर के कैंडिडेट्स हैं और उनको देखिए कब पहुँचना है, तो सुबह के 9 बजे तक पहुँच जाना है। एग्जामिनेशन उनका 9:30 से लेकर के 10:30 बजे तक होगा, 1 घंटे का, अब 20 मार्च को होगा, ठीक है। और एड्रेस देख लीजिए कहाँ है, तो ये रहा एड्रेस। इस एड्रेस को आप लोग गूगल मैप में जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, आपको सारा लोकेशन पता चल जाएगा जहाँ आपको जाना है, ठीक है, कहाँ पर आपका वेन्यू होने वाला है, मतलब कहाँ आपका एग्जामिनेशन होगा, कहाँ ये पेपर होगा। उसी तरह से टर्नर मशीनिस्ट इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और RAC ये जो ट्रेड्स हैं इनको 10:30 बजे रिपोर्टिंग करना है, और फिर 11 से 12 बजे तक पेपर होने वाला है, और सेम डेट में और सेम जगह में एग्जाम होगा। उसी तरह से इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए 12 बजे पहुँच जाना है, 12:30 से 1:30 बजे तक उनका पेपर होने वाला है, और ये भी जो है आपका 20 तारीख को होगा, और जगह भी वही रहने वाला है। गैस यहाँ पे वैकेंसी कितना कितना है कौन से ट्रेड में वो तो नहीं दिया गया है, बट अपॉर्चुनिटीज़ अच्छा है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, तो आप लोग इसमें अटैम्प्ट ले सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करेंगे तो रिटर्न टेस्ट से होने वाला है, मेरिट वगैरह नहीं बनने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कितना मार्क्स लाए हैं वो मैटर नहीं करेगा। सिलेबस की बात करें, कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो जो भी आपने ITI जो भी ट्रेड्स आपने करा है और ITI में जो भी आपका थ्योरी वगैरह सब था वही सब क्वेश्चंस आपका रहने वाला है। थ्योरी में जो भी आप पढ़े हैं या फिर जो इसमें कुछ पार्ट हो सकता है कि WCS का कैलकुलेशन का भी दिया जाए, तो वो चीज़ें हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको जब रिटर्न जब एग्ज़ाम देने जाइएगा तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या आपके पास होना चाहिए। तो देखिए पहला चीज़ तो आपको जो SSC मतलब कि 10th का जो है पास आपका एलिजिबिलिटी में है कि आपने अगर 10th पास कर लिया है और ITI पास कर लिया है तो ही आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं, मतलब कि एलिजिबल हैं। उसके बाद भी इंडियंस जितने हैं उन सभी एलिजिबल हैं, आउटसाइड कंट्री एलिजिबल नहीं है। उसके बाद यहाँ apprenticeshipindia.org जो है ये आपका अप्रेंटिसशिप पोर्टल है, यहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो ही आप रिटर्न के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस दिया हुआ है, तो apprenticeshipindia.org में कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है डिस्क्रिप्शन में आपको जो है मिल जाएगा लिंक, और ये जो है क्या है आपका apprenticeshipindia.gov.in जो ये वेबसाइट है इसका ये लिंक है, ये लिंक भी आपको मिल जाएगा और पूरा वीडियो मिल जाएगा कि कैसे क्या प्रोसेस होता है रजिस्ट्रेशन का। यहाँ पे आपको सिंपली जब रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो रजिस्ट्रेशन करने के टाइम में आपको बहुत चीज़ें यहाँ पे जो है भरनी पड़ती है। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, एक लड़के का किया गया है और यहाँ पर लॉगिन मैं करता हूँ चेक मार्क इसको करके, तो यहाँ प्रोफाइल जब चेक करेंगे देखिए प्रोफाइल में इनका 100% कम्प्लीटेड है ना, प्रोफाइल 100% कम्प्लीटेड है। तो ये कैसे होता है गाइज, तो यहाँ पे आप लोग एक बात मैं आपको बता दूँ,
देखिए यहाँ पे डैशबोर्ड में मैं आता हूँ, और यहाँ पे देखिए सभी चीज़ें जब आप भर लीजिएगा, आधार वेरिफिकेशन कर लीजिएगा, फिर जो है प्रेफरेंस वगैरह सब कुछ दे दीजिएगा, तो उसके बाद यहाँ पे बैंक डिटेल्स, बैंक डिटेल्स जब भरिएगा ना, तब आपका 90 से 100% हो जाएगा। बैंक डिटेल्स ज़रूरी है, जिस वजह से नहीं होता है बहुत लोगों का, तो ये ज़रूर आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसका जो है इस प्रोफाइल, ये प्रोफाइल पर जब आप जाते हैं, इसका एक आपको प्रिंट करा लेना है इस पेज का, क्योंकि ये पेज आपको लेके जाना पड़ेगा जिस दिन रिटर्न पेपर होने वाला है। तो आइए हम लोग यहाँ आते हैं। देखिए रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस है, और वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। उसके बाद देखिए एग्जाम में जब देने जा रहे हैं रिटर्न एग्जाम, तो क्या क्या आपको लेके जाना है। तो 10th का आपको मार्कशीट लेके जाना है, ITI का प्रोविजनल सर्टिफिकेट, अगर दी ओरिजिनल नहीं आया हुआ है तो प्रोविजनल लेके जा सकते हैं, ठीक है, और मार्कशीट भी अपना लेके जा सकते हैं, साथ में ले लीजिएगा, बट प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको लेकर के जाना है। प्रोविजनल नहीं है तो मान लीजिए अगर NTC सर्टिफिकेट आ चुका है तो अच्छी बात है, वही लेकर चले जाइए। एंड ST SC OBC EWS PWD जो सर्टिफिकेट्स है जिनके लिए अप्लीकेबल है वो लेके जाएंगे। अप्रेंटिसशिप का रजिस्ट्रेशन कॉपी ले लेंगे, जो कि प्रोफाइल वाला जो मैंने आपको बताया था वो ले लेना है, ठीक है। तो इतना चीज़ आपको लेके जाना है, चार चीज़ें आप लोग को लेके जानी है, और यदि जो जनरल कैटेगरी के हैं तो उनको तीन चीज़ लेके जाना है। अब देखिए जनरल डिटेल्स में बात करें तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है। TADA पहली बात आपको दिया नहीं जाएगा जब आप रिटर्न टेस्ट देने जाइएगा वहाँ पे मछलीपट्टनम, ठीक है। तो वहाँ जो भी फेयर होगा, जो भी खर्च होगा, वो आपको अपने खर्चे पे जाना है। उसके बाद एक साल का ट्रेनिंग होगा, उसके बाद जो मंथली स्टाइपेंड मिलेगा 8,050 रुपया पर मंथ मिलने वाला है। कोविड जो आपका नॉर्म्स है उसका सारा पालन आपको करना है, जो अभी आपका मास्क वगैरह सैनिटाइजर वगैरह सब आपको अपना ले करके जाना है, ठीक है, सैनिटाइजर भी लेकर जाना है। उसके बाद मोबाइल फ़ोन आपको यूज करने नहीं दिया जाएगा, एग्जामिनेशन से तो वैसे भी नहीं दिया जाएगा करने के लिए। उसके बाद अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो आपको एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा। तो ये बेहद ज़रूरी है कि आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, ऐसा नहीं कि वहाँ पहुँचेंगे उसके बाद करेंगे, आपको पहले से रजिस्ट्रेशन कर लेना है। बहुत ही आसान स्टेप से डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, मैं बार बार कर रहा हूँ, तो आप लोग जरूर कर लीजिएगा। फ़ोन से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन प्रिंट आपको कराना होगा तो कैफे या फिर आपके घर में प्रिंटर है तो आप करा सकते हैं। तो क्या जी पूरा डिटेल्स था यहाँ पर, सारा मैंने आपको अपडेट कर दिया, सारा कुछ आपको बता दिया है, ठीक है। तो आप लोग अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप जा सकते हैं। अब बहुत दूर पड़ता है तो देख लीजिएगा, जैसा भी आपको होगा, आप मेरे समझ से तो आपको अटैम्प्ट लेना चाहिए, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी अच्छी है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अदर अपडेट्स भी है, ITS जुड़ी हुई, CITS से रिलेटेड सारी अपडेट्स चैनल पे प्रोवाइड की जाती है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं अगली जानकारी में। इस पर कुछ आगे अपडेट्स आएंगे लाइक मेरिट लिस्ट या फिर ज्वाइनिंग लेटर, तो वो सभी चीज़ें आप लोग को चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, अपडेट्स दे दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली जानकारी में, तब तक के लिए आप लोग का वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।